अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल देखने वाले मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, कुरुलश उस्मान की नई किस्त के रिलीज होने के एक हफ्ते के गैप ने इसके मदाहों को बहुत इंतजार करवाया और इस हफ्ते इसकी किस्त नंबर 103 नशर होने जा रही है। हालात वाकया तेजी से एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में आप लोगों को कई किस्म की खबरें सुनने को मिलेंगी, तो इस लिहाज से आज की वीडियो काफी अहम है क्योंकि आप जानेंगे अपने फेवरेट ड्रामा सीरीज अर्पण सलान बियुक सलजुकलो और कुरुलश उस्मान के बारे में कि क्या फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान इनकी अक्सात दिखाई जाएंगी या नहीं। इसके अलावा बात होगी बार्बर सलार ड्रामा सीरीज के बारे में जिसके मुतालिक कई नई खबरें मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा हम कुरुलश उस्मान की आने वाली किस्त के अहम वाकयात पर भी बात करेंगे, तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो नाजरीन इकराम, कुरुलश उस्मान के नए सीजन की कहानी अब कुछ कुछ समझ में आने लगी है और हम इसके नए किरदारों से भी मानूस होने लग गए हैं। जैसे कि नया सीजन नई रियासत के ऐलान का सीजन है, तो इस हिसाब से एक फायरी सीजन हमें देखने को मिलेगा जिसका आगाज हो चुका है और नई किस्त के ट्रेलर के मुताबिक आने वाले अहम वाकयात ये होंगे। ट्रेलर में कोहनर अर्प उलूफ के हाथों जख्मी होता दिखाया गया है, तो क्या ये एक ख्वाब साबित होगा या फिर ये वार ज्यादा मोहलक नहीं होगा और कोहनर अर्प बच जाएगा या फिर कोहनर अर्प कुरुलश उस्मान छोड़कर जा रहा है। प्रिंसेस ओफेलिया का क्या बनेगा? क्या ओक्तम बे को 5 साल जिला वतनी की सजा हो जाएगी? क्या आग तैमूर बच जाएगा और क्या आलचक खातून को फांसी हो जाएगी? तो नाजरीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कोहनर अर्प यानी बर्क एर्चर की, जिनके बारे में ये अफवाहें आजकल फैली हुई हैं कि इन्हें किसी और ड्रामे में काम करने की ऑफर हो चुकी है और वो कुरुलश उस्मान छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन नाजरीन इकराम, अभी तक ना तो इस ड्रामे के बारे में वाजे तौर पर कोई खबर मिली है कि वो किस चैनल का ड्रामा है और ना ही इस खबर के बारे में वाजे तौर पर कोई बयान ऑफिशियली कुरुलश उस्मान टीम की तरफ से सामने आया है और ना ही बर्क एर्चर ने इस बारे में कोई बयान जारी किया है। तो इसलिए हम इस ऑप्शन की तरफ आते हैं कि हो सकता है कि ये ओफेलिया का सिर्फ एक ख्वाब हो या फिर ये ख्वाब कोहनर अर्प ने देखा हो, और अगर ये ख्वाब ना हुआ तो कोहनर को लगने वाले खंजर के वारों की नोयत बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी दिरुलशार्तरोल के सीजन 5 में अलबास्ती ने तुर्गुत अर्प को मारे थे। तब हम ये समझ रहे थे कि बस तुर्गुत अब मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर कोहनर अर्प को इस तरह मारकर इनका किरदार खत्म किया गया तो गोक्तू के बाद ये दूसरा किरदार होगा जिसे मद्दाह इस कदर मिस करेंगे, और गोक्तू के बारे में तो हम दिल को ये तसल्ली दे ही देते थे कि ये एक फर्जी किरदार है, लेकिन कोहनर अर्प तो एक तारीखी किरदार है। अगर कोहनर अर्प के किरदार को एक बार फिर से ड्रामे से खत्म कर दिया गया तो यह कुरुलश उस्मान की रेटिंग मजीद गिरने का सबब बन सकता है। वैसे बिलफर्ज अगर इन अफवाहों के मुताबिक बर्क एर्चर यह ड्रामा छोड़कर जा भी रहा है तो सोचने की बात है कि वजह क्या है। कोहनर अर्प को अपनी जबरदस्त स्टोरी इस सीजन में मिल गई है, उसे और क्या चाहिए। अब तो ड्रामे में बुराक पर फोकस भी कम किया जा रहा है और दूसरे किरदारों को ज्यादा मौका मिल रहा है, और कोहनर अर्प की स्टोरी लाइन मुझे तो काफी जबरदस्त लगी है कि एक सलजूक कमांडर जिसने हक की राह को चुनकर उस्मान बे का साथी बनना पसंद किया, हालांकि उस हक के रास्ते में मुश्किलात ज्यादा थी, लेकिन उसने सलजूकी महल की ऐशो इशरत को छोड़कर अपने जमीर की बात सुनी, जबकि शहजादी ओफेलिया जो कि अपने ही शहनशाह वालिद के अजीम महल में खतरात से भरी एक खूबसूरत बाजंतीनी शहजादी है जो कि अपने वालिद पर होने वाले नाकाम कातिलाना हमले के इल्जाम को सहते हुए हकायक से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है, और इसी दौरान एक उस्मानी जंगजू और जासूस कोहनर सार्कस के बाजंतीनी भेस में इसकी मदद को आ गया। तो नाजरीन इकराम, अब आप ही बताइए कि इससे अच्छी स्टोरी लाइन और क्या हो सकती है। और वैसे ये बात समझ से बाहर है कि आखिर तुर्क प्रोड्यूसर्स तुर्क अदाकारों के साथ एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं करते और अदाकार इस तरह सीजन बीच में छोड़कर क्यों चले जाते हैं। बहरहाल अब तो ये किस्त ऑन एयर होने पर ही मालूम होगा कि असल सूरत हाल क्या है। अब अगर ओक्तम बे की जिलावतनी की बात करें तो मालूम होता है कि उस्मान और ओक्तम बे के दरमियान शायद कोई प्लानिंग है और दुश्मनों की चाल खुलकर सामने लाने के लिए एक स्कीम तैयार की गई है जिसके हिसाब से ओक्तम बे को जिलावतनी की सजा तो सुनाई जाएगी, लेकिन इस फैसले के पर्दे में दुश्मन को एक्सपोज करने की चाल होगी। ओक्तम बे इस सीजन में उस्मान बे का सबसे बड़ा हमायती साबित हो रहा है, लेकिन शायद आप लोगों को याद हो कि सीजन के आगाज में हमने सुना था कि ओक्तम बे के मुतालिक ये कहानी कुरुलश उस्मान के सेट से लीक आउट हुई थी कि वो अपनी बेटी की शादी सलजूकी सल्तनत में करना चाहेगा, लेकिन आग तैमूर रास्ते में आ जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आग तैमूर तो खुद मरने के करीब है और दूसरी तरफ आलचक खातून को भी मौत की सजा सुनाई गई है,
जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है, तो ये क्या चक्कर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्तम बे को जिलावतन करके कोनिया की तरफ भेज दिया जाएगा, जहां उसका गुस्सा सलजूकी सुल्तान को भी उस्मान बे के खिलाफ करने का सबब बने और फिर उस्मान बे अपनी अलग रियासत का ऐलान कर दे। तो कहानी अगर इस तरफ चली जाए तब ज्यादा एक्साइटिंग तो हो जाएगी, लेकिन उस्मान बे के दुश्मनों में एक और दुश्मन का इजाफा हो जाएगा, जिससे ड्रामे में बैलेंस नहीं रहेगा। इसलिए यही मालूम होता है कि अक्तम बे की जिलावतनी असल में दुश्मनों के खिलाफ एक चाल ही है, ताकि दुश्मन अपने बिल से बाहर आ जाए और अक्तम बे और उस्मान इनका शिकार कर सके। अब आइए आग तैमूर की तरफ कि आया इसकी मौत वाकई हो जाएगी या नहीं। तो नाज़रीन इकराम, आग तैमूर बच जाएगा, क्योंकि तारीखी हिसाब से भी आग तैमूर की मौत का वक्त नहीं आया और ऐसा लगता है कि आलचीचक खातून को मौत की सजा सुना दी जाएगी। तो आग तैमूर बेहोशी से निकलकर आलचीचक खातून की बेगुनाही की गवाही दे देगा, जिसके बाद आलचीचक खातून की ये सजा माफ कर दी जाएगी और उसके दिल में आग तैमूर के लिए जगह पैदा हो जाएगी। आग तैमूर और आलचीचक की जोड़ी इस सीजन की सबसे खूबसूरत जोड़ी है और इसे अभी सीजन में रहना चाहिए, लेकिन इसकी वालदा बेंगी खातून नहायत जज्बाती औरत है और उसके जज्बात ही उससे गलत फैसले करवाते हैं। और वैसे बताते चलूं कि ये चीज तमाम औरतों में कॉमन ही होती है, मुझ समेत। बेंगी खातून सीजन के शुरू ही से उस्मान बे के खिलाफ दिल में मनफी जज्बात रखती है, लेकिन ये अक्तम बे ही था जो उसे समझाता रहता था कि ऐसा नहीं है जैसा वो समझती है। और अब शोहर और बेटी की गिरफ्तारी के बाद तो उसे खुली छूट मिल गई है, जिसका नुकसान यानी शहर को भुगतना पड़ेगा। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो कि आप में से काफी लोग मुझसे कमेंट्स में कर रहे हैं, वो ये है कि क्या फुटबॉल वर्ल्ड कप की वजह से कुरुलशुस्मान एक माह के लिए नहीं दिखाया जाएगा। तो उन्हें मैं यही बताना चाहूंगी कि कुरुलशुस्मान का तो अभी पता नहीं, अलबत्ता गोल दागी नाम का ड्रामा जिसके बारे में ऐलान हो चुका है कि इसकी 3 अकसात इन्हीं फुटबॉल मैचेस की वजह से ऑन एयर नहीं होंगी। जैसे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लोग क्रिकेट मैचेस के दीवाने होते हैं और वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें कोई होश नहीं होता, तो इसी तरह तुर्की के लोग भी फुटबॉल के दीवाने हैं। वैसे यहाँ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूं कि तुर्की की टीम इस सॉकर वर्ल्ड कप की टीमों में शामिल नहीं है, क्योंकि तुर्की की सॉकर टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए जिस ग्रुप में शामिल थी, तो उन क्वालिफाइंग मैचेस में आइसलैंड जीत गया था, इसलिए तुर्की वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंच सका। और टीआरटी की तरफ से तो तस्दीक कर दी गई है कि इसके चैनल पर नशर होने वाली तमाम सीरीज वर्ल्ड कप के दौरान वक्ती तौर पर रोक दी जाएंगी। इनमें अल्परसलान बियुक सेल्जुकलो भी शामिल है और इस टाइमिंग में वर्ल्ड कप मैचेस दिखाए जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, अभी एटीवी की तरफ से ऐलान आना बाकी है, लेकिन हम जानते हैं कि वो ऐलान क्या होगा। जाहिर सी बात है कि जब तुर्की की आवाम सॉकर मैचेस में दिलचस्पी ले रही होगी और उन्हें देख रही होगी, तो अगर ये तारीखी ड्रामे इस दौरान नशर कर भी दिए जाएं, तो इससे इनकी रेटिंग मुतासिर होगी। इसलिए तमाम किस्म के ड्रामों को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। अब बात करते हैं बारबर सलार की, जिसका नया नाम खैरुद्दीन है। तो नाज़रीन इकराम, इसके मदाहों के लिए खुशखबरी है कि इसकी शूटिंग शुरू हो गई है, और चूंकि आज की वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए इसके बारे में मुकम्मल मालूमात अगली किसी वीडियो में। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया।